नमस्कार दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि नेपाली शेरपा जैसा कोई नहीं, लेकिन अब ये साइंस के जरिए भी साबित हो गया है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने नेपाली शेरपास पर रिसर्च किए और उनकी बॉडी पर कई शोध किए, और जो पता चला वो बेहद ही शॉकिंग था, चौंका देने वाला था, जो सुनकर कोई भी कहेगा OMG नेपाली शेरपा। तो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट जरूर कर दीजिए। तो नेपाली शेरपास की बॉडी की वर्किंग कई कंडीशन में बहुत अलग है, मानो कि वो इस ग्रह से ही नहीं है। यानी कि क्या शेरपास एलियन है? पर ऐसा नहीं है कि शेरपा इस ग्रह से है ही नहीं, लेकिन ये रिसर्च साबित करती है कि शेरपास में कुछ सुपर ह्यूमन ताकतें हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे उनके एक एक सेल से लेकर पूरे सिस्टम में कैसे बड़े बदलाव हैं जो कि एक आम आदमी से बिल्कुल अलग हैं। आपको बता दें कि ये शोध पब्लिश हुआ प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल साइंस ऑफ एकेडमी में, जिसमें इनके शरीर में छिपी हुई शक्तियों की बात की गई, जो कि बेहद ही अलग और वो पूरी दुनिया में किसी और में नहीं होती, यानी कि सबसे अलग। और जैसा कि हमने अभी हाल ही के कुछ दिनों में देखा है, कई सारे शेरपास ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से बनाए, जिसमें नेपाली वुमेन लेखपा शेरपा ने 10वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। साथ ही साथ कामी रीता शेरपा, जिन्होंने 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। और ये कतई आसान नहीं है, क्योंकि हाल ही में हमने सुना कि कितने ही लोगों की माउंट एवरेस्ट चढ़ते हुए जान चली गई। तो है ना ये शेरपास गजब के, तो इनके लिए कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे नेपाली शेरपास की छुपी शक्तियों को साइंटिफिक तरीके से, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से। तो इस पूरी रिपोर्ट को आप भी देख के कहेंगे OMG नेपाली शेरपास। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में OMG नेपाली शेरपास जरूर कमेंट करना, और इन शेरपास के लिए कम से कम 20,000 लाइक का एक टारगेट रखते हैं, और इस लाइक का टारगेट को पूरा जरूर करना। तो फटाफट से बटन घिस जाना चाहिए लाइक का नेपाली शेरपास के नाम। तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल का आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जो हर एक माउंटेन क्लाइंबर को ऊंची जगह पर जाते ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन शेरपास को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, मानो कि इनको ऑक्सीजन की जरूरत ही ना हो। और इसी चीज को एग्जैक्टली रिसर्च में खोज कर निकाला गया कि शेरपास को ऑक्सीजन क्यों कम चाहिए, ऐसा क्या हो रहा है, जो शेरपास की बॉडी में क्या खास होता है। उसको जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक आम आदमी की बॉडी में क्या होता है जब वो एक हाइट पर पहुंचता है, यानी कि उसको क्या दिक्कत महसूस होती है और उसकी बॉडी में क्या चल रहा होता है। फिर हम जानेंगे कि शेरपास की बॉडी में क्या चीजें अलग होती हैं। दोस्तों, जब हम अपने वायुमंडल में 9,000 से 10,000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर शुरू हो जाता है, और इस वायुमंडल के एरिया में हवा में ऑक्सीजन होती है लगभग आधी, यानी कि 50%। और एक आम आदमी ऐसे में ठीक से सांस नहीं ले पाता, ठीक से चल नहीं पाता, एक्सरसाइज और हैवी चीजें उठाकर ले जा नहीं सकता। अब इस वातावरण में कम ऑक्सीजन होने के चलते एक आम आदमी के अंदर कम ऑक्सीजन जाती है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए एक आम आदमी की बॉडी बनाती है ज्यादा रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। अब आप कहो कि ये रेड ब्लड सेल क्या होती है? दोस्तों, ये रेड ब्लड सेल हमारे खून के अंदर एक सेल होती है, जो कि हमारे फेफड़े यानी कि हमारे लंग से हमारे सांस लेने के साथ ही ऑक्सीजन को उठाती हैं, और वो पूरे शरीर तक ऑक्सीजन को जहां जरूरत होती है वहां पहुंचाती है हमारी नसों के जरिए। तो ये लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का और हर जगह तक पहुंचाने का काम करती हैं। आम आदमी का शरीर जब कम ऑक्सीजन में होता है, तो उसका शरीर उसके खून के अंदर ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं डाल देता है, जिससे कि वो लाल रक्त कोशिकाएं ज्यादा ऑक्सीजन उठा पाए और शरीर तक पहुंचा पाए। लेकिन ये जो लाल रक्त कोशिकाएं एक आम शरीर डालता है, उसके जरिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जब उसी खून में शरीर ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं डाल देता है, तो वो खून हो जाता है ज्यादा गाढ़ा, यानी कि ज्यादा डेंस। तो अब जब खून डेंस हो जाता है, यानी कि गाढ़ा हो जाता है, तो उसके बहाव पे भी फर्क पड़ता है और वो धीरे बहने लगता है, जिसके चलते सुस्ती आती है। और साथ ही साथ ये गाढ़ा खून जिसमें ज्यादा रेड ब्लड सेल है, उसको हार्ट को भी पंप करने में ज्यादा ताकत लगती है, तो कहीं ना कहीं एक हार्ट पर भी ज्यादा बड़ा असर पड़ता है। साथ ही साथ जब खून गाढ़ा हो जाता है, तो नसें यानी कि जो वेसल्स होती हैं जिनमें खून बह रहा होता है, उसमें खून के रुकने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण मौत भी हो सकती है। साथ ही साथ इस कम ऑक्सीजन के चलते बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, और साथ ही साथ सांसें भी छोटी होने लगती हैं। और कम ऑक्सीजन मिलने से सेल मेम्ब्रेन, ब्रेन डैमेज, लीवर डैमेज और कई और ऑर्गन्स के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एक आम आदमी के अंदर। यानी कि इन चीजों से एक आम आदमी का शरीर एक खतरा तो कम करता है, लेकिन उसके लिए और ज्यादा खतरे बढ़ जाते हैं। लेकिन आप ये सुनकर शायद चौंक जाओगे कि जो आम आदमी के शरीर में ये सब होता है, वो नेपाली शेरपा के शरीर में नहीं होता। तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि नेपाली शेरपास के शरीर में कैसी चीजें काम करती हैं और कैसे बनाती हैं उन्हें वो सर्वशक्तिमान, यानी कि सुपर ह्यूमन।
सो इन लोगों ने नेपाली शेरपास के शरीर के ब्लड सैंपल लिए और मसल बायोप्स लिया, यानी कि मसल्स के छोटे टुकड़े लिए जिसके अंदर सेल्स होते हैं, और उन्हीं सेल्स का भी अध्ययन किया। दोस्तों इसमें जो सबसे पहली चीज पता चली वो ये थी कि एक आम आदमी के शरीर में एक हाई एल्टीट्यूड पर और कम ऑक्सीजन में जो एक शरीर करता था, यानी कि ज्यादा रेड ब्लड सेल खून में डालता था, वैसा कुछ एक शेरपा के शरीर में नहीं होता। तो वहां पर एक शेरपा का शरीर उनके बॉडी में ज्यादा पंप करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये केमिकल नाइट्रिक ऑक्साइड जब शेरपा का शरीर ज्यादा बढ़ाता है तो इससे होता यह कि जो उनकी नसें होती हैं, जो खून को ले जाती हैं, यानी कि वेसल्स, उनकी चौड़ान बढ़ जाती है, वो ज्यादा चौड़ी हो जाती है, और इसके जरिए वो ज्यादा खून ले जा सकती हैं, यानी कि वही सेम नसें अब ज्यादा खून ले जा सकती हैं, और वो ज्यादा खून कहीं ना कहीं ज्यादा ऑक्सीजन को ले जा सकता है अपने साथ और पूरे शरीर में पहुंचा देता है, और इससे शेरपास में वही चुस्ती फुर्ती और वही एनर्जी रहती है। वही एक आम आदमी के केस में शरीर का खून ही गाढ़ा हो जाता है, जिसके चलते उनकी चुस्ती फुर्ती भी कम हो जाती है, साथ ही साथ उनको और ज्यादा दिक्कतें होने लगती हैं, जिसकी हमने पहले बात की थी। तो कहीं ना कहीं दोनों ही प्रोसेस बिल्कुल अलग हैं, जो कि एक आम आदमी के शरीर में हो रहा है और एक शेरपा के शरीर में हो रहा है, और यही इनको डिफरेंट बनाता है एक आम आदमी से। अब जो दूसरी बड़ी सुपर ह्यूमन चीज नेपाली शेरपा के शरीर में, वो उनके एक एक सेल में है, क्योंकि नेपाली शेरपास का शरीर जानता है कि ऑक्सीजन को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और ऐसी कम ऑक्सीजन वाली जगह में। और इसके पीछे की वजह है नेपाली शेरपास के शरीर के अंदर के एक एक सेल, यानी कि कोशिका के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दोस्तों ये वही माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम बचपन से पढ़ते रहे कि पावर हाउस ऑफ दिस सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि बॉडी की एक सेल को जो शक्ति देता है वो एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और नेपाली शेरपास के शरीर के अंदर के सेल की रिसर्च में यही पता चला कि उनके सेल के अंदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। सेल के अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया कम ऑक्सीजन में भी ज्यादा एटीपी बनाता है। अब आप कहोगे कि ये एटीपी क्या है? जैसे एटीपी है एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पावर के लिए, यानी कि शक्ति के लिए, शरीर के अंदर ऊर्जा के लिए। तो ये रिसर्च में साबित हुआ कि नेपाली शेरपास के शरीर के अंदर का एक एक सेल, यानी कि एक एक कोशिका, एक आम आदमी से ज्यादा पावर कम ऑक्सीजन में भी बना सकती है, जो कहीं ना कहीं इन शेरपास को अलग करती है एक आम आदमी से। और ये तीसरी चीज शेरपास के पास है वो है जबरदस्त फैट बर्निंग कैपेसिटी। दूसरा एक बेसिक तरीका, जब हमारे शरीर में मसल्स को एनर्जी चाहिए होती है जिसमें शुगर या फैट्स को बर्न करके मिलती है एनर्जी, और इसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। और आमतौर पर भी आपने सुना होगा कि ज्यादा फैट बर्न करो, ज्यादा एक्सरसाइज करो, तो कहीं ना कहीं वो सेम टर्म यहाँ पर शेरपास के लिए भी है। और शेरपास के केस में उनके पास होती है जबरदस्त फैट बर्निंग कैपेसिटी। दोस्तों ये फैट बर्निंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं काम आती है जब आपके पास कम खाने के साधन होते हैं, और ये फैट बर्निंग कैपेसिटी के जरिए ही आप कहीं ना कहीं ज्यादा लंबे समय तक जी सकते हो कम खा कर भी अपने फैट के बेसिस पर। तो कहीं ना कहीं ये शेरपास को बनाता है सुपर ह्यूमन फैट बर्निंग कैपेसिटी के मामले में भी। अब जानते हैं शेरपा की चौथी बड़ी सुपर ह्यूमन चीज, जो कि है स्टेडी लेवल ऑफ फॉस्फोक्रिटिनिन। अब आप कहोगे कि ये क्या है? फिकर नॉट। दोस्तों ये एक एनर्जी का भंडार है जो कि हमारा शरीर रखता है इमरजेंसी कंडीशंस के लिए, जब हमारी सेल्स यानी कि हमारी कोशिका भी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पा रही और सिचुएशन काफी ज्यादा इमरजेंसी वाली है। जब हमारे शरीर के अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी हमने पहले भी बात की थी, और वही एटीपी एनर्जी जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है वो नहीं बना पाता है, और इसी इमरजेंसी कंडीशन के लिए होती है फॉस्फोक्रिटिनिन, जो कि उस जरूरत और उस एक्सट्रीम कंडीशन में मसल्स को थोड़ी देर के लिए पावर देती है। लेकिन जब एक आम आदमी ऐसी हाइटेड कंडीशन पर बहुत देर तक रहता है तो उसका फॉस्फोक्रिटिनिन लेवल बहुत ज्यादा गिर जाता है, क्रैश कर जाता है। वहीं शेरपास के अंदर ऐसी हाइट वाली कंडीशन में ये फॉस्फोक्रिटिनिन लेवल बढ़ जाता है, नहीं तो एक स्टेडी लेवल पर बना रहता है, यानी कि उनके पास इमरजेंसी कंडीशंस के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या फिर एक स्टेडी लेवल पर रहती है, ना कि एक आम आदमी की तरह वो घट के खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक शेरपा का शरीर बहुत ज्यादा रेडी रहता है आने वाली कंडीशंस के लिए और बुरे से बुरे वक्त के लिए, और वही चीज बनाती है शेरपास के शरीर को एक सुपर ह्यूमन शरीर। और पांचवी बड़ी चीज जो शेरपास के शरीर में देखी गई है वो है लो फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल एक ऑक्सीजन कंटेंट मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि एक केमिकल होते हैं जो कि ऐसी हाइटेड कंडीशन में हमारी बॉडी में रहते हैं, और इन फ्री रेडिकल के बढ़ने से कई बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हार्ट की डिजीजेस, लीवर की डिजीजेस और लंग्स की डिजीजेस। लेकिन शेरपास के शरीर में ये पाया गया है कि ये फ्री रेडिकल ऐसी हाइटेड कंडीशन पर बहुत कम रहते हैं, यानी कि बहुत लो रहते हैं, जिससे उनको कोई और डिजीज होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं और उनका कोई ऑर्गेन या फिर किसी और चीज़ पर
कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन वही एक आम आदमी में ऐसे फ्री रेडिकल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनको एक दूसरी बीमारी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पांचों चीज़ें प्रूव करती हैं कि शेरपाश का शरीर काफ़ी ज़्यादा अलग है एक आम आदमी से। और आपको क्या लगता है, ये अलग है या नहीं, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये रिपोर्ट और ये रिसर्च तो साबित कर देती है कि शेरपाश का शरीर है सुपर ह्यूमन। लेकिन आपके दिमाग में भी ये सवाल उठ जरूर रहा होगा कि शेरपाश का शरीर कैसे अलग काम करता है, सेम कंडीशन में बहुत ही अलग तरीके से रिएक्ट करता है एक आम आदमी से। सो इसका रीज़न है हजारों सालों से शेरपाश का ऊंची जगहों पर रहना, जिसके चलते वो चीज़ें इनके खून में है, यानी कि उनके जीन्स ने कहीं ना कहीं इस चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है, जिसके चलते उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुपर ह्यूमन ताकत उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। और साथ ही लंबे समय से ऐसी हाइटेड कंडीशन पर रहने की वजह से उनके जीन ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है और बना दिया उनको पावरफुल सुपर ह्यूमन, यानी कि सर्वशक्तिमान ह्यूमन, जिसके लिए कॉमेंट बॉक्स में बनता तो है सुपर ह्यूमन OMG नेपाल शेरपाश। तो फटाक से कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके लिख जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल का बटन उसको दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और रीसेंट ओरिजिनल कंटेंट आपको मिलता रहे। धन्यवाद NI News।